और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, सीएम आवास पर परिवहन विभाग की बड़ी बैठक हुई है। वायु प्रदूषण को रोकने के लेकर बैठक हुई है। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसों पर फोकस होगा, सीएम ने ये कहा है। और बता दें कि मुख्यमंत्री ने चार्जिंग पॉइंट लगवाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि बसों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग की बैठक ली है और यूपी परिवहन विभाग के मंत्री दयाशंकर सिंह इस वक्त मौजूद रहे। प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के और परिवहन आयुक्त भी इस बड़ी बैठक में शामिल हुए। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम आवास पर परिवहन विभाग की बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। और आपको बता दें कि परिवहन विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बड़े निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि ओवर स्पीडिंग पर रोक लगाने को लेकर की कार्रवाई की जाए। सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीडिंग है, ये सीएम योगी ने अपनी बैठक में कहा है। और बता दें कि वायु प्रदूषण पर रोक लगाने को लेकर भी फैसला किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों पर फोकस होगा, क्योंकि इनसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है। और उन्होंने कहा कि चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे जगह जगह पर, प्रदेश में चार्जिंग पॉइंट लगेंगे और बसों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो बता दें कि यूपी परिवहन विभाग के मंत्री दयाशंकर सिंह इस वक्त मौजूद रहे। इसके अलावा प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के और परिवहन आयुक्त भी इस बड़ी बैठक में शामिल हुए। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम आवास पर परिवहन विभाग की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं।